नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, आपका थोड़े दिनों बाद में आपकी फ़ाइनल आंसर किया जाएगी। उसके बाद में तकरीबन 15 गुना कैंडिडेट आपके पास हो जाएंगे टायर टू के लिए। तकरीबन एक्सपेक्टेशन यही है कि 1.5 लाख के ऊपर कैंडिडेट आपका पास होगा टायर टू के लिए। तो टायर टू में आपका क्या आता है, जैसा मैंने सिलेबस आपको पहले बताया था, इसके पहले भी 2 वीडियो में डाल चुका हूँ। आप एक काम करिए, चैनल के ऊपर जाके आपको एसएससी एमटीएस टायर टू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं कि इसके पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव में कैसा क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों टायर टू की इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर बताई हुई हैं। देयर आफ्टर वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, हर बार उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पत्र लेखन में जो ब्लॉग आपका होता, कैसे कैसे आपकी जो जब आप टायर टू एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो जो आपका एग्जामिनेशन के समय आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो कैसा होता है, आप जिसके ऊपर आंसर लिखोगे आपकी आंसर शीट कैसी होती है, सारी चीज़ों का फॉर्मेट मैं आपको लेके आया हूँ। और साथ में ये बताऊँगा कि उस आंसर शीट को फिलअप कैसे किया जाएगा, एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, इस प्रकार की वीडियो को मेहरबानी करके पूरा देखिए शुरुआत से आखिरी तक। स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर डेफिनेटली आपको दिक्कत परेशानी होगी बाद में। समझ नहीं आएगा तो आप बोलोगे ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। एक चीज़ और, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एक दो बुक्स को ले लीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको आसानी रहेगी। बुक्स को आप लेंगे, परचेज़ करेंगे, उसमें से एसेज और साथ में लेटर्स करीबन 150 से लेकर 200 के लमसम दिए हुए हैं, उनसे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल करंट घटनाओं पे आधारित हैं जो इसमें एग्जैक्टली चल रहा है पिछले के साथ साथ में। क्योंकि आजकल जो पिछले बार से पैटर्न धीरे धीरे एग्ज़ाम का बदल रहा है, तो एसएससी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि उन्होंने जो समसामयिक घटनाएं होती जो बिल्कुल करंट की, जैसे इस समय चंद्रयान काफ़ी फेमस है, आर्टिकल 370 काफ़ी फेमस है, ट्रिपल तलाक काफ़ी फेमस है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ज्ञान होना चाहिए। तो वो चीज़ या तो आप एडिटोरियल से न्यूज़पेपर के, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वो बुक ले लीजिए, उसमें इन सब चीज़ों का है। तो टायर टू के लिए अगर आप 100-150 रुपये या 200 रुपये खर्च कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बुक मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कि वहाँ पर जाके आप, जो वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। अमेजन से आप ऑनलाइन जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर दीजिए, आपके घर पर पहुँच जाएगी। उस बुक को ले लीजिए, डेफिनेटली मेरे पास में भी बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि मैंने देखा उसके अंदर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट जो आपको कितना सुंदर बनाना है, देखिए जब आप लिखेंगे ना तो बीच की बॉडी आपकी कितनी सुंदर होनी चाहिए, जो भी लेटर लिखेंगे बीच का जो कंटेंट बोला जाता है वो कितना सुंदर होना चाहिए, वो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए वीडियो को टाइम ना बर्बाद करते हुए। अगर आपको लगता है इस चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी मिल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव आपका आएगा, ये 50 मार्क्स का आपका होगा। टाइम आपको 30 से 45 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट नॉर्मल के लिए, 45 मिनट आपके विजुअली हैंडीकैप के लिए। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेंथ आपकी ऐसे की 200 से 250 वर्ड होगी, लेटर आपकी 125 से 150 वर्ड होगी। 10% मैक्सिमम है, यानी ध्यान रही, अब मैं दोबारा बताऊँ आपको, 10% का मतलब 250 का 10% आपको आपके 275। लेकिन अगर आप सोचो मैं 400 का लिख दूंगा ना तो नंबर आपके कट जाएंगे। डोंट बी टू स्मार्ट, अगर आप ये सोचेंगे जितनी प्रेस्क्राइब लिमिट है उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कटेंगे, और उस लिमिट से कम लिखेंगे तो भी नंबर कट जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर लैंग्वेज आपकी क्या है, पहले क्या होता था, इसके पहले का जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैंग्वेज आपकी दो थी, ओनली हिंदी या फिर इंग्लिश। लेकिन अब की बार क्या इंक्लूड कर दिया कि एनी लैंग्वेज जो भी भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में इंक्लूड है, उस किसी भी लैंग्वेज में आप अपना लेटर या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जो टायर टू का आपको इस टाइप से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एसएससी एमटीएस टायर टू जब आप जाओगे तो वहाँ क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एसएससी एमटीएस टायर टू एग्जामिनेशन ये 2016 का है, मैंने दिया आपको, जो कि 28 जनवरी 2018 का हुआ था। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एजुकेशन एंड लाइफ, रेनी सीजन, वर्षा का सीजन, मोबाइल फ़ोन, क्रिकेट मैच, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेवारियाँ, ये इन पे या तो आप ऐसे लिखो या फिर एक बड़ा सा शब्द लिखा और, या फिर राइट ए लेटर, एक लेटर किसको लिखिए, एक लाइब्रेरियन को लेटर लिखिए, ये फादर को अपने लिखिए, फ्रेंड को लिखिए, रीजनल इलेक्ट्रिक ऑफिसर को लिखिए, और उसके बाद में लेटर टू रिगार्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए आप एडिटर को एक लेटर लिखिए। तो लेटर पांच, देखो पांच आपको ऐसे मिलते हैं, पांच आपको लेटर मिलते हैं, उनमें करना आपको केवल एक होता है, इससे बढ़िया चॉइस क्या मिलेगी आपको। 10 चीज़ें मिल रही, 10 में कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता हो या फिर जो आपको ज़्यादा आता हो बेहतर तरीके से, तो आप वो कर लीजिए। स्ट्रेटेजी आप ये बनाइए, पहले आप बहुत अच्छी तरीके देखिए कि आपको लेटर और ऐसे में क्या आता है, उसके बाद उसको वो देखिए जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके आता है या जिसके ऊपर आपको ज्ञान सबसे ज़्यादा हो।
फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, 1 मिनट आप पढ़ने में लगाइए, 1 मिनट में आप सिलेक्शन कर लीजिए कि भाई मुझे ये लेटर लिखना है या फिर ये ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद उसकी 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में आप उसकी बॉडी तैयार कीजिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको देना है वो आप कंटेंट उसके तैयार करिए। एक आप पेपर, आप रफ पेपर के अंदर उसको लिख लीजिए, लिखने के बाद में उसको 2-3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आपको जहाँ गलती लगती है, भाषा का जो थोड़ा बहुत अप डाउन आपको लगता है, वैसा आप सेट कर लें। जब वो एक बार ड्राफ्ट आपका सेट हो जाता है, उसके बाद आप फाइनली उसको लास्ट के 15 मिनट में उतार दें, क्योंकि आपको 150 वर्ड ही तो लिखने हैं भाई मेरे। 150 वर्ड लिखने के लिए 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे 250 वर्ड लिखने के लिए भी 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। तो इसका यही है कि आप लेटर को 250 से लेकर 150 वर्ड के बीच में, ऐसे को 250 और लेटर को 150 वर्ड के बीच में लिखने की प्रैक्टिस आप डेली डालिए। अच्छा अच्छा सुंदर लिखिए तो आप 15-20 मिनट में बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए आपको इस टाइप से मिलेगी SSC MTS Tier 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट। ये आपको आंसर शीट मिलेगी, इसमें आपको क्या क्या भरना होगा। इस टाइप से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको क्या करना है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखे नहीं। इसमें इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे होते हैं। फिर आपको अपना नाम भरना है, आपको रोल नंबर भरना है, आपको टिकट नंबर भरना है, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब का जो इंप्रेशन यहाँ पर लगाना है, आपको स्टैम्प पैड मिल जाएगा वहीं पर, उससे आप यहाँ लगा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ अपनी लैंग्वेज भरनी है, आपने हिंदी में दिया है पेपर लिखना चाहते हैं पूरा, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, या फिर संविधान की जैसे मैंने बोला 8वीं, उसमें कोई भी जो इंक्लूड हो वो भाषा में आप लिखना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो पूरा का पूरा पेपर देंगे, चाहे ऐसे दें या लेटर दें, वो एक ही लैंग्वेज में होगा। ये नहीं आधा आपने हिंदी में लिख दिया, आधा इंग्लिश, आधा किसी और भाषा में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं नंबर आपके पूरे कट जाएंगे। इस टाइप से को फर्स्ट मिल गया, यहीं पर आपको पूरी डिटेल भरनी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर में जो अंदर है कहीं पर भी नाम, रोल नंबर, टिकट नंबर कुछ भी नहीं लिखना, मोबाइल नंबर। अगर ये ऐसा लिखते हुए आप पकड़े गए तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपको इस टाइप से, बहुत कन्फ्यूजन से लोग पूछ रहे थे, इस टाइप से आपको आंसर शीट मिलेगी। इसमें आपके, अब इसमें करना क्या होगा मैं आपको बताऊं, ऐसे करके पूरी आपको डिटो यूं इस टाइप से जो टेबल बनी हुई पूरी मिलेगी, इसके अंदर आपको भरना पड़ेगा। इन्हीं को ब्लॉक्स बोलते हैं, ये होता है, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं, इनको बोला जाता है। अब कैसे भरेंगे देखिए, हम ध्यान से देखते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। पहले आप देख लीजिए, हम मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एक ये लेटर है एग्जाम्पल आपका। विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ये कैसा है। अब इसको हम ब्लॉक में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पढ़ लीजिए। सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण, और उसके बाद में आपका सेक्टर 30, दिनांक 12/9/2019, नई दिल्ली, विषय योग शिक्षा का महत्व महोदय। ये पूरा का पूरा आपका, मान लीजिए आपने एक बॉडी बना ली, ठीक है, आपने लिख दिया बॉडी, इसको बोलते हैं ये जो बीच का है ना कंटेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बनाता है, आपके नंबर को स्कोरिंग करने में इसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये हमने बना लिया ड्राफ्ट, अब उसको हम लिखेंगे कैसे, उसका तरीका मैं आपको आज ब्लॉग भरने का तरीका बताऊंगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते, देखिए ये आपने देख लिया, आपने बॉडी पूरी बना दी, उसके बाद ब्लॉग हम कैसे भरेंगे। देखिए जब ब्लॉग हम भरेंगे तो इस टाइप से ब्लॉग भरा जाएगा आपका, कैसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या बोला था, सेवा में, ठीक है, ये देखिए सेवा में। अब ध्यान देने वाली बात, सेवा में एक ही उसमें नहीं भरा जाएगा, ये अलग अलग, उसमें ये 2 वर्ड आपके हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, देखिए कुछ चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं, आपको कॉमा, फुल स्टॉप, स्टॉप, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल डिटो ध्यान रखना है। यही आपके नंबर, आपके राइटिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा मेजर जो नंबर करते हैं आपके इन्हीं चीज़ों में। देखिए मे के बाद आपका ये कॉमा लगा है, लगा ना करके, मैंने इसमें लगाया है, ऐसे ही आपको लगाने। फिर दूसरा लाइन में क्या आपका था, संपादक महोदय, संपादक एक वर्ड है आपका, महोदय एक वर्ड है, महोदय के बाद में आपने कॉमा लगाया है, ध्यान रखिएगा, महोदय के बाद आपने कॉमा लगाया, तो ये 4 हो गया सेवा में, संपादक महोदय 4। फिर दैनिक जागरण, दैनिक जागरण अलग अलग है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा आपका लगाया, मैंने लगाया। फिर सेक्टर 30 एक ही है, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे सेक्टर यहाँ लिख दें 30 आप यहाँ लिख दें, नोप, सेक्टर 30 आपका एक ही है, उसके बगल में कॉमा लगा दिया। फिर दिनांक, दिनांक, फिर उसके बाद 12/9/2019, ये ऐसे लिखा, आप ऐसे मत करिएगा, आप इसमें 12 कर दें, आप इसमें 9 कर दें, आप इसमें 2019 कर दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बार दिनांक हमेशा एक ही ब्लॉक के अंदर पूरा लिखा जाएगा। फिर क्या है, फिर आपका आ जाता विषय, विषय आपका क्या था, विषय, विषय के बाद डैश लगाया योग शिक्षा, देखिए योग शिक्षा के बीच में डैश लगा ना, ये एक ही वर्ड बन गया, ध्यान दीजिएगा, योग शिक्षा अलग अलग नहीं, योग और शिक्षा के बीच में डैश लगा, अगर ये डैश ना हो लगा होता तो ये अलग हो जाता, डैश लगाने की वजह से ये एक में लिखा जाएगा। यही माइनर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, योग शिक्षा का महत्व, महत्व के बाद हमने क्या लगाया, लगाया स्टॉप, ठीक है।
फिर उसके बाद महोदय, महोदय के बाद फिर हमने कामा लगाया, देख लीजिए। फिर देखिए जनजन, अब ये जनजन के बीच डैश लगा है इसीलिए एक वर्ड हो गया, जनजन की आवाज़। फिर जनजन आपका हो गया, इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बीच में डैश लगा हुआ है। ये हिंदी की माइनॉरिटी होती हैं, इनको जैसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ना वैसे ही ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वैसे हिंदी के अंदर व्याकरण की अशुद्धियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए। जनजन एक शब्द है, तक पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा, देखिए ध्यान दीजिए, फिर एक वर्ड आ गया तो एक साथ लिख दिया, योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूँ। ऐसे करके ये आपके वर्ड चलते चलेंगे, इनको एक वर्ड को एक ही ब्लॉक में आप भरेंगे, इसी को ब्लॉक का भरना बोलते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आप पूरा भरते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैंने इसमें क्या किया, ये आपको लास्ट का बता दिया, बीच का मैंने किए नहीं किया क्योंकि बीच का बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। लास्ट में क्या है, जब फिनिश करेंगे, देखिए सेम योग शिक्षा एक ही में, फिर ग्रहण करने के लिए आग्रह करें, ठीक है, करें के बाद में जहाँ फुल स्टॉप है हमने फुल स्टॉप लगाया, ध्यान दीजिए। फिर धन्यवाद लिखा, नेक्स्ट लाइन में धन्यवाद था हमारा, धन्यवाद के बाद में हमारा फुल स्टॉप था वो लगाया, भव दिया। फिर नाम, नाम आपका, नाम के बाद में काखागा लिख दिया, एग्जामिनेशन सेंटर में मैंने क्या बोला, अंदर आप अपना नाम नहीं लिखोगे उसमें लिखोगे काखागा। पता आपका वो भी आप लिखेंगे काखागा, ठीक है, जो भी वाट एवर काखा हो गया। और यहाँ दूरभाष यानी मोबाइल नंबर, ये भी आप का लिख दो क्योंकि इसमें भी अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आप अपना यहाँ सब कुछ लिख के चले, या नाम भी लिख दें, अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें, पता भी लिख दें, आपको जीरो नंबर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने काखा का करके समझाया। इस प्रकार से आपको ब्लॉग भरा जाता है, ये आप समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छी तरीके आपको, ठीक है, ये आपको ब्लॉग भरने का तरीका है। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लगातार बिजली जाने के खिलाफ SDO को शिकायत पत्र लिखिए। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बताऊँगा। देखिए आप अभ्यास करके देखें कि आप 150 से लेकर 175 वर्ड में इस प्रकार से आप कैसे लिख सकते हैं। इसका एक और मैं तरीका बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया प्रिपरेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप एडिटोरियल को पढ़िए, बुक्स आप परचेस कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से आप बुक्स ले लीजिए, उससे हेल्प मिलेगी आपको। और आप एक, जैसे मैंने आपको आंसर जो शीट का फॉर्मेट बताया वैसे आप पेन से एक रफ पेपर में कर लीजिए, जो सादे पेपर में, या फिर आप बाहर चले जाइए किसी कंप्यूटर की शॉप को, वहाँ से एक टेबल फॉर्मेट में सेम वैसा ही छपवा के लेते आइए, उसकी फोटोकॉपी 20-25 करवा लीजिए, उसके बाद आप उसमें लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब आप डिटो जैसे आपको आंसर शीट मिलेगी वैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको वहाँ बहुत ईजी मिलेगा और आपको 150 वर्ड या 275 उसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि आप कॉलम गिन लोगे आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई मेरे 150 वर्ड हो रहे हैं, 175 हो रहे हैं, ना ही कम होने चाहिए ना ही आपके ज़्यादा होने चाहिए, दोनों में आपको समस्या है। इस प्रकार से आप वैसे करिए, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे और आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डेफिनेटली फिर मैं तो हूँ ही आपके पास में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसके बाद मैं संडे ब्लॉग में मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितने भी आप कमेंट्स करेंगे जो भी आपकी मेजर समस्याएं होंगी उनके बारे में संडे को एक ब्लॉग करके एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें डिस्कस करेंगे हम सब चीज़ों को कि आपने क्या करे क्या नहीं करे, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, इंग्लिश वाले परेशान मत होइए, मैं सबको हिंदी में ऐसे भी कराऊंगा, लेटर भी कराऊंगा, इंग्लिश में भी ऐसे कराऊंगा, इंग्लिश में भी लेटर कराऊंगा, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट पार्टिकुलर इंग्लिश में, मतलब वो चाहता है कि मैं इंग्लिश में ही बोलूँ, मैं आपको इंग्लिश में लिखूँ, इंग्लिश में समझाऊँ और इंग्लिश में ही बोलूँ मैं आपसे, अगर ऐसा भी कोई कैंडिडेट चाह रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। जब अगर मेरे पास में 50-100 कैंडिडेट उस टाइप के हो जाएंगे तो उनके लिए भी मैं प्योर इंग्लिश में एक वीडियो बना दूंगा, जिनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।